नमस्कार। उत्तराखंड के जोशी मठ में हो रहे भूदशाव से स्थिति लगातार बिगड़ रही है। 99 परिवारों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। 500 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशी मठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, यह शहर उत्तराखंड के चमोली जिले में है और समुद्र तल से 6150 फीट की ऊंचाई पर है। जोशी मठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। वही बद्रीनाथ धाम जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। जोशी मठ में धसाव की घटनाएं अचानक तो नहीं हो रही हैं। दरअसल कहा जाता है कि जोशी मठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। धसाव की जांच के लिए सबसे पहली बार 1976 में गढ़वाल के कमिश्नर रहे एससी मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। मिश्रा समिति की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी कि जोशी मठ धीरे धीरे धस रहा है। समिति ने जो सिफारिशें की थी, सरकारों ने उस पर प्रभावी ध्यान नहीं दिया। भूदशाव को लेकर जोशी मठ बचाओ संघर्ष समिति पिछले कई सालों से आंदोलन कर रही है, लेकिन आंदोलन के बाद भी उनकी बातों को नहीं सुना गया। 2006 में वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक स्प्रामिता चौधरी ने जोशी मठ का अध्ययन किया था। अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को दी थी। amarujala.com के अनुसार वैज्ञानिक डॉक्टर स्प्रामिता चौधरी कहते हैं कि पिछले 2 दशक में जोशी मठ का अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर ही समा रहा है। यह भूदशाव का प्रमुख कारण है। जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने भी अध्ययन किया था। अध्ययन में कहा गया था कि अगर शहरीकरण, 4 धाम, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ नहीं कराया गया तो आने वाले समय में जोशी मठ धस जाएगा। आगे की बात जल्द ही।